The same. Yeah. Okay. मेरी माँ को तुमसे प्यार हो गया. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल. मैं हूँ आपका दोस्त विजेंदर. और मैं हूँ सुनील. और दोस्तों, जैसे कि नया साल शुरू हो चुका है, तो हमारे तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं. और 2019 उम्मीद करते हैं आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, और हम चाहते हैं कि 2020 भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए, क्योंकि हम चाहते हैं, यार देखो, हमारा तो अच्छा है ही आप लोगों की सहायता से, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी अच्छा हो. आप लोगों का साथ रहेगा तो आपका भी अच्छा जाएगा, हमारा भी अच्छा जाएगा अगला 2020 जो है. और हम चाहते हैं कि इस चैनल पे यार अपने दोस्तों के साथ और सात बंदे जुड़े, ताकि सभी लोगों तक हमारे रिएक्शन पहुंचे. और यार, जैसे कि रिएक्शन वीडियोस हम करते आ रहे हैं, तो आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो है शिमला मिर्ची का ऑफिशियल ट्रेलर. और इस मूवी में है हेमा मालिनी, काफ़ी दिनों के बाद वो भी किसी मूवी में हमें दिख रही हैं. और राजकुमार राव हैं, और साथ में हैं राकुल प्रीत. और अगर बात की जाए यार हेमा मालिनी की, तो हेमा मालिनी है मूवी में तो यार एक अलग ही करेक्टर दिखेगा. और आई थिंक जिस हिसाब से शिमला मिर्ची नाम है, मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है. और मेन चीज़ क्या है, जो सिचुएशन हेमा मालिनी की दिखाई है वो बहुत अच्छी है, और इसमें कोई कह नहीं सकता कि वो इस एज में पहुँच गई हैं. और उसके बाद अगर हम बात करें राजकुमार राव की, वो तो भाई नंबर वन एक्टर हैं ही हमारी इंडस्ट्री के, तो उनके बारे में तो यार उनकी एक्टिंग के बारे में बात करें या चाहे उनकी फिल्मों के बारे में बात करें, वो एक से एक अच्छी सी अच्छी फिल्में करते जा रहे हैं. और रकुल प्रीत की हमने अभी रिसेंटली एक दो मूवी अभी देखी है उनकी. अभी रिसेंटली वो थोड़ा मतलब फेम में आई है, थोड़ा बॉलीवुड में एंट्री कर रही है, क्योंकि मेनली बेसिकली तो, वो पहले साउथ में कर रही थी, एक दो साल पंजाबी मूवी भी करी है उन्होंने, तो लेकिन अब वो इसमें आ रही हैं कि बॉलीवुड में, तो हमें उनमें देखने को मिल रहा है. तो शिमला मिर्ची एक अच्छा ट्रेलर है और मूवी एक अच्छी स्टोरी बेस्ड है, तो चलो इसका ट्रेलर देखते हैं, शुरू करते हैं आज. Love my country. Love life. नहीं कर पाया किसी लड़की को प्रपोज, कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज करा देंगे, वहां तो कुछ बोलना भी नहीं होता. ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी लाइफ में, हैप्पी रहो, मजा लो लाइफ का. भगवान तुम्हें इस बार लड़की को सही ढंग से प्रपोज करने की शक्ति दे. Have some balls. जी, तुम्हारी पूरी कोशिश करूंगा बस. इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, न जाने ऐसा क्यों क्यों है. इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, न जाने ऐसा क्यों क्यों. दीवाने का दिमाग है खाली, बिना हुक के दुनिया बसा ली. जो बात बोलने में ऑकवर्ड लगे ना, उसको लिख के कहने में भी कोई हर्ज नहीं होता. मैंने को ऐसा लगा तो लिखूंगा, पढ़ देना उसे होश उड़ जाएंगे. भाई तू मुझसे झूठ तो बोलेगा नहीं, पर फिर भी तेरी बात पे यकीन तो नहीं हो रहा मुझे. जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरे दिल में तुम्हारे नैनों का तीर लग गया. मेरी माँ को तुमसे प्यार हो गया. सच सच पानी में कूड़ी आई है थोड़ी सी. मेरी बेटी ने कहा है बुरा ही सही है, इसलिए मैं आज से बुरा ही बनने वाली हूँ, समझे ना. हमारे परिवार में बस एक अकेला अभी ही तो है जिसने प्यार के फील्ड में इतनी बड़ी ट्रॉफी जीती है. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मेरा रिश्ता ऐसे घर में जुड़ रहा है. मेरा रिश्ता भी तो जुड़ रहा है ना माँ. टेक इट इजी, डोंट गेट सो एक्साइटेड. टेक इट इजी. भाई ये तो लॉन्च ही हो रही है, आने वाली है आज कल आ रही है.
तो यार बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है, और एक मतलब जैसा टॉपिक है, मतलब अपनी मदर की वो देख रही है लव लाइफ को, तो एक्चुअली क्या था कि जैसे डैड के जाने के बाद डैड नहीं थे इसके, तो फिर उन्होंने बोला कि मम्मी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, एक्साइटेड रहो, बहुत एंजॉय करो, क्योंकि जो हम ही सोचते हैं कि नहीं अपनी लाइफ को डंप करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, अपनी लाइफ में एंजॉय करो. तो वहाँ पे एक ऐसा करेक्टर आता है राजकुमार राणा जी का जो राकुल प्रीत जी के लिए डालते हैं, लेकिन लेटर मम्मी के पास बहुत जाता है और मम्मी हो जाती है फिर अपने दीवानी. मम्मी होती है कि इस एज में भी लड़का लाइन मार रहा है, और यार तुम देख के कह नहीं सकते कि हम मालिनी को कि वो एज में ऐसी लगती होंगी यार, आज भी ग्लो चेहरे पे अलग ही दिखता है, अलग ही है यार. देखो मेकअप वेकअप की तो जो बात वो अलग ही है, लेकिन इस एज में ऐसा दिखना, खुद को मेंटेन रखना, बहुत सारी चीजें होती है. और जैसे यार मतलब ट्रेलर से पता लग रहा है इसमें पंचेस जो है बीच में जो है दो चार ही पंचेस दिखाए हैं ट्रेलर में, पर पूरी मूवी में होगा सही होगा, मतलब कॉमेडी भी होगी, इमोशनल भी है, कॉमेडी भी है, और साथ के साथ एक अच्छी स्टोरी है, अच्छी स्टोरी वाली होगी. और सबसे मेन चीज यार दोस्तों ये चीज दिखाई गई है कि ये उन लड़कों की स्टोरी है जो अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते किसी भी लड़की के सामने, या प्रपोज करने से डरते हैं, या फिर बात करने से सोचते हैं कि यार मैं बोलूंगा कैसे. तो उनकी ये फीलिंग के लोग फीलिंग को देख के ये बताया गया है कि इस फिल्म में कि एक्चुअली कैसा फील होता है उस टाइम. और बताया भाई जरूरी नहीं है बोल के ही बोलना, तुम लिख के भी दे दो कोई चक्कर नहीं है, पर गलत जगह पहुंच गया तो फिर चक्कर पड़ जाएगा. लिखने का यार ये होता है ना कि हमारी जो डेस्टिनेशन होती है उस पे पहुंचे ना पहुंचे, वो कहीं ना हवाई जहाज तो हमने उड़ाया, वो हवाई जहाज कहीं और मुड़ गया तो दिक्कत हो जाती है. तो वही इसमें दिखाया हुआ थोड़ा सा. और जिस हिसाब से यार राजकुमार राव ने एक्टिंग करी है, क्योंकि हम उनकी एक्टिंग के पहले भी दीवाने रहे हैं और अभी भी उनकी एक्टिंग, क्योंकि जब वो बोलने का जो लहजा था ना कि आई आई एल यू, तो इसमें बहुत ये लगता है कि यार बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत ही इनोसेंट सा बिहेवियर दिखाया उनका, और एक रियल एक्टिंग मतलब निकल के आती है. जैसे जब भी किसी भी एक्शन में वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो मतलब जिस सिचुएशन के हिसाब से वो एक्टिंग करते हैं बिल्कुल ऐसे लगता है मतलब भाई नहीं रियलिटी है. ट्रेलर भी यार काफी दिन ज्यादा दिन नहीं हुए निकले, और फिर मूवी भी आने वाली है, और मेन चीज क्या है दोस्तों जनवरी में मूवी आ रही है, तो जनवरी में बहुत सी फिल्में आने वाली है और अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली है. बढ़िया से बढ़िया. तो हम कोशिश करेंगे कि आपको मूवी के रिव्यूज भी दें वन बाय वन. तो ये था ट्रेलर, और ट्रेलर तो बहुत ही बढ़िया था, और न्यू ईयर का ये बढ़िया मूवी आ रही है न्यू ईयर पे, तो होप करते हैं आपको ये ट्रेलर अच्छा लगा होगा और हमारा रिएक्शन भी अच्छा लगा होगा. तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये. और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ. न्यू ईयर है यार, न्यू ईयर सेलिब्रेट करो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.